126 million metric ton per annum. That is the growth. That speaks the volume of our success story. And that is possible only because of an Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision and his dynamic initiative and planning. Sagarmala jo project hai, usme kitna kaam abhi tak ho paya usko? Sagarmala is a flagship scheme and which has been launched by Honorable Prime Minister, and that is the target is 2035. 20 years mein humne kul mila ke 809 project ko identify ki hai aur 5.6 lakhs crore ko lagat mein is project ko complete kiya jayega. Up to 227 project have been completed at the cost of rupees 1.47 lakhs crore. That is the massive like transformation. And as a result, the capacity of cargo handling has been doubled in all the major ports under Government of India. So that's the reflection how, you know, development has taken place and which has been exemplary. And it is happening only because of the Honorable Prime Minister's vision, Prime Minister's initiative, Prime Minister's corrective policies and program. ई-कॉमर्स जो है सर, उसको वाटर ट्रांसपोर्ट के साथ जोड़ा जा रहा है? निश्चित रूप से, क्योंकि आप जो पोर्टल कि हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में पोर्टल मतलब प्रस्तुत की गई है, आप किसी भी आंकड़ा, किसी भी इंफॉर्मेशन, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है. आप पानी से भी, हमारा पोर्टल में जो पानी पोर्टल है, वहाँ से भी आप सारा व्यवस्था कैसा है, क्या क्या है, कैसे कर सकते हैं, सारे आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के हिसाब से जो आधुनिक व्यवस्था दी गई है और इंट्रोड्यूस की गई है, डिजिटल इंडिया में डिजिटल कनेक्टिविटी को उसी हिसाब से डेवलप की गई है, जिसके जरिए आज कोई भी ट्रेडर्स हो, बिजनेसमैन हो एंड कोई भी एंटरप्रेन्योर्स को हो, इस सिलसिले में कोई दिक्कत नहीं होती. आसियान कंट्री इंडिया का साथ अच्छा दोस्ती है, और साथ साथ में बीबीएन कंट्री जब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये भी फैमिली है. कुल मिला के हम यहाँ 13 नेशन हम इंटीग्रेटेड है. ये 13 नेशन इतना बड़ा बाजार देते हैं, उसका जो भी आबादी है उस हिसाब से, तो इसलिए उस बाजार को कैप्चर करने के लिए यहाँ प्रोडक्शन सेंटर बनाना होगा, मैनुफैक्चरिंग स्किल बनाना होगा अलग अलग. तो प्रधानमंत्री ने हमें वाटर वेस्ट में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी उन्होंने दिए हैं. वहाँ भी स्किल सारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को स्किल दिया जाता है, हाउ टू ऑपरेट द वेसल, हाउ टू हैंडल द का लाइक मलेशिया है, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये सब आसियान कंट्री इंडिया का साथ अच्छा दोस्ती है. और साथ साथ में बीबीएन कंट्री जब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये भी फैमिली है. कुल मिला के हम यहाँ 13 नेशन हम इंटीग्रेटेड है. ये 13 नेशन